परफेक्ट हेडशॉट के लिए परफेक्ट सेंसिटिविटी का होना जरूरी है, लेकिन उसी के साथ कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स भी रहती है इन गेम की जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है हेडशॉट के लिए। तो आज मैं आपको वही टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगा और कुछ सेंसिटिविटी के ऊपर भी एक टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा। आपको परफेक्ट सेंसिटिविटी कैसे फाइंड करनी है तो मैं अपनी बिगिनर टू एडवांस सीरीज में बता चुका था, लेकिन ये है हमारी इंटरमीडिएट टू प्रो सीरीज। इसमें हम आपको बताने वाले सारे के सारे इंटरमीडिएट से लेकर आप प्रो बन जाओगे तब तक के एक एक राज फ्री फायर के पीसी के। तो बिगिनर टू एडवांस और इंटरमीडिएट टू प्रो दोनों की ही सीरीज की ही प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर मिल जाएगी। जो भी नया प्लेयर हो पीसी का वो जरूर इन दोनों सीरीज को एक बार चेक करें। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं खुद भी कोई प्रो नहीं हूं, मैं खुद एक इंटरमीडिएट लेवल का बंदा हूं, तो आप भी मेरी तरह ही सीखना। जैसे मैं सीखता जा रहा हूं वैसे वैसे आप भी करते जाना। जो हमारे फ्री फायर ट्रेनिंग ग्राउंड में जो पुतले रहते हैं इनका हेडशॉट मारना कोई प्रो पंती नहीं होती। आप इंटरमीडिएट लेवल के प्लेयर हो तो आपको पता होगा आपकी बेस्ट एक्स वाई सेंसिटिविटी या फिर फ्री फायर सेंसिटिविटी कौन सी वाली बेस्ट है आपके लिए। अब तक आपने इसको बेस्ट एक्स वाई सेंसिटिविटी को फाइंड कर ही लिया होगा। हमने बेसिक टू एडवांस सीरीज में जो आपको बताया था वो था मेन फायर बटन से फायर करना, लेकिन इसमें आपको मेन से नहीं, इसमें आपको लेफ्ट फायर से फायर करना है। इसके लिए आपको इसका कस्टम एचडी ओपन कर लेना और लेफ्ट फायर बटन को कुछ इस प्रकार का रखना है जैसा मैंने रखा। फायर बटन को आपको बीच में नहीं रखना है, जहां पर मैंने रखा है वहां पर रखना है। देखो इसका भी मैं बता देता हूं, इसका मैंने बताया हुआ आपको इंटरमीडिएट टू प्रो वाली की मैपिंग में बताया था आपको क्यों इसको यहां पर रखना चाहिए। अगर आपने हमारी की मैपिंग वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाकर देख लेना, और उसके बाद अगर आप इनकी कैपेसिटी कम करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन आपको इस जगह पर प्लेस कर देना है। अब यहां पर आपका ब्लू स्टिक से एमएसआई में जो कंट्रोल एडिटर रहता है वहां पर जो फायर बटन रहती है तो उसको आपको कुछ इस प्रकार की लेफ्ट फायर बटन के ऊपर प्लेस कर देना। जो हमें लेफ्ट फायर बटन है उसको आपने यहाँ प्लेस कर दिया। उसके बाद आपको जो लेफ्ट फायर बटन का टॉप पर रहता है, यानी देखो फायर बटन का ऐसा कुछ गोली निकलने जैसे रहता है, उसके टॉप पर ही प्लेस कर देना आपको। उसके बाद इस सेटिंग को सेव कर देना और आप कुछ गेम प्ले करोगे तो आपको लगेगा हाँ भाई हमारे हेडशॉट तो अच्छे लग रहे, लेकिन आपको कुछ टाइम बाद लगेगा कि हमारे ओल्ड वाली फायर बटन ही इससे तो अच्छी थी। ये चीज मुझे भी लगी थी भाई कि लेफ्ट फायर बटन से अच्छा था, मैं पुरानी वाली फायर बटन से हेडशॉट मार रहा था, फिर मेरा अच्छा मूवमेंट हो रहा था, फिर मैं इसको चेंज करना भूल गया और मैं इसमें दिनों पे दिन दो चार दिन मैंने गेम प्ले कर रहा, तो भाई अब तो मेरी हैबिट हो गई है भाई, ओनली रेड नंबर लगते हैं, जब भी हेडशॉट लगेंगे ओनली रेड नंबर लगेंगे। ये तो हुई फायर बटन की बात, लेकिन बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई हम फायर करने के बाद मिली वेपन या फिर फिस्ट हम कैसे वापस लाए हाथ में, जैसा आप बैकग्राउंड में देख रहे हो कुछ इस प्रकार का है। मतलब यहाँ पर तो मेरा गन का स्विच वो हो ही नहीं रहा, क्योंकि मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग जब करता हूँ तब भाई इतना ज्यादा होता नहीं है कि फायर हो जाए। देखो एक बार हुआ था बीच में। भाई ऐसी मूवमेंट करने के लिए आपको तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि ऐसी मूवमेंट करके आपको हेडशॉट लगाने तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिएगी इसके लिए। ये चीज बहुत ही ज्यादा हार्ड है और ये बहुत ही प्रो एडवांस लेवल वाले बंदे ही कर पाते हैं, इसलिए आप इस चीज को तो भूल जाओ, इससे आपको बहुत कम हेडशॉट लगेंगे, क्योंकि आप नए नए रहोगे तो इसमें आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। लेकिन आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, उससे भी आपके बहुत ज्यादा हेडशॉट लगेंगे। देखो जब भी आप करते हो, मतलब जब भी आप गेम खेलते हो, तब आपको जॉयस्टिक यूज करना है। ये देखो इधर उधर वाले मूवमेंट वाला कर देना, इसको यूज करके आपको थोड़ा सा फायर करना है, ठीक है। इससे आपका एम ज्यादा प्रिक्सियस जाएगा, मतलब ज्यादा सटीक जाएगा, ठीक है। इससे आपको यूज करोगे ना तो इसका होगा, देखो मैं अभी इस पुतले पे तो नहीं लग रहा मेरा, लेकिन गेम के अंदर जाके मैं देखो आपको बता देता हूँ। अब आप यहाँ ट्रेनिंग ग्राउंड में देखो मैं कितना इसको ओनली रेड नंबर मार रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे लेफ्ट फायर बटन का भी कमाल है, और उसके साथ जो मैंने जॉयस्टिक वाला मूवमेंट बताया आपको कि जॉयस्टिक का मूवमेंट करके आपको लेफ्ट फायर बटन को ना, देखो इतना आसानी से हेडशॉट लग रहा है, हर एक पे ओनली रेड नंबर लग रहा है, ऐसा भी नहीं कि येलो नंबर आपको देखने को मिल जाए थोड़ा। ये था हमारा आज का कमाल धमाल हेडशॉट के ऊपर और थोड़ा सा सेंसी के ऊपर, या थोड़ा बहुत सब कुछ मिक्सम मिक्स माल के वीडियो था हमारा। और अभी आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आप हमारी इंटरमीडिएट टू प्रो वाली सीरीज को एक बार जरूर नजर में लाना। फिलहाल के लिए इतने ही, बस मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।